आज कहानी एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिनके लिए कहा जाता है कि इनसे विवादित मुख्यमंत्री ना जन्मा है और ना जन्मेगा। अनगिनत खट्टे मीठे किस्से हैं इनके। इनका राजनीति में कभी अतीत नहीं हुआ। राख में से फिर जल उठना इन्हें बखूबी आता था। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे यूपी के नवे सीएम के बारे में, जो थे नारायण दत्त तिवारी। इनका नाम एनडी तिवारी है। 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल के बलूती गांव में पैदा हुए। पिता पूर्णानंद तिवारी वन विभाग में अफसर थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान नौकरी छोड़ दी थी। तिवारी हल्द्वानी, बरेली और नैनीताल के अलग अलग स्कूल कॉलेजों में पढ़े। राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के जरिए आए। ब्रिटिश विरोधी चिट्ठियां लिखने की वजह से 14 दिसंबर 1942 को अरेस्ट हुए और नैनीताल की उसी जेल में भेजे गए जहां उनके पिता पहले से बंद थे। 15 महीने बाद रिहा हुए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां से आगे की पढ़ाई जारी रखी। 1947 में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने। 1945 से 49 के बीच ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे। इनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो राजनीति से परे उनका निजी जीवन बेहद विवादों में रहा, खासकर जीवन के 80 वसंत देखने के बाद। लंबी चली कानूनी लड़ाई के बाद उन्होंने 88 साल की उम्र में दूसरी शादी की। पहली शादी उन्होंने 1954 में सुशीला तिवारी से की। फिर 14 मई 2014 को उज्ज्वला शर्मा से दूसरी शादी की, जिनसे लंबे समय से उनका रिश्ता था और जिनके बायोलॉजिकल बेटे रोहित शेखर के वो पिता थे। जवानी के दिनों में अपनी रंगीन मिजाजी के लिए मशहूर एनडी तिवारी को अपने जीवन के 80वें दशक के अंतिम दौर में उस समय सबसे मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा, जब रोहित शेखर नाम के युवा ने तिवारी के खिलाफ पितृत्व का केस कर दिया और उन्हें अपना जैविक पिता माना। वहीं आजादी के बाद यूपी में 1952 में हुए पहले इलेक्शन में नैनीताल से जीत कर तिवारी जी विधायक बने, वो भी प्रजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर। 1957 में नैनीताल से जीते और असेंबली में विपक्ष के नेता बने। 1963 में कांग्रेस ज्वाइन की, काशीपुर से विधायक बने और यूपी सरकार में मंत्री बने। 1968 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की, जो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। 1969 से 1971 के बीच इंडियन यूथ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे। एनडी तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। 1979 से 1980 के बीच चौधरी चरण सिंह की सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रहे। 1980 के बाद योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन रहे। 1985 से 88 में राज्यसभा सांसद रहे। 1985 में उद्योग मंत्री भी रहे। 1986 से 1987 के बीच तिवारी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कैबिनेट में विदेश मंत्री रहे। 87 से 88 फाइनेंस और कॉमर्स मंत्री भी रहे। 2007 से 2009 के बीच वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहे, लेकिन एक कथित सेक्स स्कैंडल में फंसने की वजह से उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दिया और देहरादून शिफ्ट हो गए। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनने पर वो दफ्तर में 18 घंटे तक काम करते थे। सीएम ऑफिस आने वाली सभी फाइलों को वो खुद पढ़ते थे, अधिकारियों से सवाल जवाब करते थे। कहा जाता है कि उनके दौर की फाइलों में लाल निशान काफी मिलते थे। ये लाल निशान उनकी कलम के थे। सरकारी फाइलों को पढ़ते समय कुछ भी संदेह होता था तो वो लाल पेन से उसे अंडरलाइन करके अफसरों से सवाल जवाब करते थे। अफसरों के बीच उनके सवाल जवाबों को लेकर डर कायम था। इसी डर के कारण उनका लाल पेन चर्चा में बना रहता था। एनडी तिवारी सियासत के माहिर खिलाड़ी रहे।
सियासी खतरे को भांपकर उससे बचना उन्हें बखूबी आता था। 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा कद रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का निधन उनके अपने ही जन्मदिन के दिन 18 अक्टूबर 2018 को महानवमी के दिन हो गया। लेकिन राजनीति से परे उनका निजी जीवन बेहद विवादों में रहा। खैर, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे यूपी के एक और नए मुख्यमंत्री की नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।